व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि आपका बेबी आपके पेट में हर रोज यूरिन पीता है? जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में एंड और भी बहुत ही अमेजिंग एंड वियर्ड चीज़ों के बारे में जो आपका बेबी आपके पेट में करता है, मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। यू नो दोस्तों, बेबी की जर्नी कितनी ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी होती है। आई मीन वो 9 महीने के अंदर जो उसके डेवलपमेंट्स होते हैं, राइट फ्रॉम उसके फिंगरप्रिंट्स बन जाते हैं, उसको सुनाई देता है कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, उसके टेस्ट बड्स डेवलप हो जाते हैं। आई मीन ये सब सोच के मैं तो बहुत शॉक हो जाती हूँ। आई मीन डू यू थिंक दिस इज द कूलेस्ट थिंग एवर? सो इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 9 बातें बताने वाली हूँ जो बेबी आपकी वूम के अंदर करता है, एंड आई एम श्योर यू गोइंग टू लव इट। क्या आप जानते हैं कि आपका बेबी 12 वीक्स में कैसा दिखता है? जी हाँ दोस्तों, 12 वीक्स में आपका बेबी बिल्कुल एक सिनेमन बेयर के जैसा दिखता है, क्योंकि उसका जो हेड होता है और बॉडी होती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर साइज की होती है, एंड साथ में उसके छोटे छोटे से हाथ और छोटे छोटे से पैर निकल के आते हैं। तो अगर आप 12 वीक्स का अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स देखेंगे तो उसमें आपका बेबी एकदम ये सिनेमन बेयर की जैसा दिखेगा। सो सेकेंड पॉइंट इज बेबीज कैन ड्रीम। जी हाँ दोस्तों, स्टडीज में ये कहा गया है कि बेबीज 24 वीक्स के बाद उनके आई मूवमेंट्स देखे गए हैं, विच इज कंसिस्टेंट टू REM। द मीनिंग ऑफ REM इज रैपिड आई मूवमेंट्स, एंड हैविंग अ नॉर्मल REM बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके बेबी की हेल्दी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। जैसे कि हम अडल्ट्स के साथ होता है कि हम जब भी सोते हैं हम ड्रीम कर सकते हैं, लेकिन जो आपके सबसे ज़्यादा विविड ड्रीम्स होते हैं वो REM के दौरान ही होते हैं। विविड ड्रीमिंग के दौरान ही आपका ब्रेन सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। पर मेरा क्वेश्चन ये है दोस्तों कि बेबीज एक्चुअली ड्रीम क्या करते होंगे? सो या ये भी एक बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ है कि यस, बेबीज कैन ड्रीम इनसाइड योर वूम। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है तो मैंने प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी सीरीज़ के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, जैसे कि न्यू बॉर्न केयर के ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हैं, न्यू बॉर्न डाइट के ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हैं, न्यू बॉर्न की शॉपिंग जो एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल शॉपिंग होता है उस पर मैंने वीडियोज़ बनाए हैं। आप मेरे चैनल में जाके ये सारे वीडियोज़ देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो लिंक आ रहे हैं सारे आप ये भी देख सकते हैं। दोस्तों, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ। क्या आपने कभी ये सोचा है कि डॉक्टर्स को कैसे पता पड़ा होगा कि प्रेग्नेंट मदर्स जो खाती है उसका टेस्ट और स्मेल एमनियोटिक फ्लूइड में कैसे आता है? सही सोच रहे हैं आप। सो डॉक्टर्स ने क्या किया था कि मदर्स, जो प्रेग्नेंट मदर्स थी, उनको गार्लिक का कैप्सूल खिलाया, एंड कुछ सेट ऑफ डॉक्टर्स थे जिन्होंने वो एमनियोटिक फ्लूइड निकाला एंड उसका टेस्ट एंड स्मेल फिगर आउट किया, और वो गार्लिक का ही निकला। तो यस, इसके थ्रू हमको पता पड़ा है कि हम जो खाते हैं उसका टेस्ट और स्मेल हमारे बेबी तक भी पहुँचता है। सो डॉक्टर्स को ये आइडिया कैसे आया कि इस टाइप का कोई टेस्ट करना चाहिए? क्योंकि एक डेयरी फार्मर ने अपनी काउस के साथ ये सेम एक्सपेरिमेंट किया था। वो फिगर आउट करना चाहता था कि उनकी काउस का जो मिल्क वो देती है उसका जो टेस्ट होता है वो उन खानों से इन्फ्लुएंस होता है कि नहीं होता है जो काउस खाती है। सो वहाँ से हमारे डॉक्टर्स को ये आइडिया आया, एंड उन्होंने ये टेस्ट किया, एंड हमको ये बात पता पड़ी कि यस, हम जो खाते हैं उसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस हमारे बेबीज पर पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट इज दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके बेबी का नी कैप नहीं होता है, उसके बदले में उनको कार्टिलेज होता है? जी हाँ दोस्तों, सो बेबी जब आपका 2 साल से 6 साल के बीच में होता है तब उसका धीरे धीरे नी बोन बनना चालू होता है, एंड उनका नी बोन कम्प्लीटली बच जाता है व्हेन दे आर अराउंड 10 to 12 ईयर्स ऑफ एज। नेक्स्ट पॉइंट इज लेडीज, बेबीज के टीयर डक्ट्स नहीं होते हैं। जी हाँ, एटलीस्ट फॉर फर्स्ट 2 मंथ्स बेबीज के टीयर डक्ट्स नहीं फॉर्म होते हैं। तो बेबीज जब रोते हैं उनके आंसू नहीं आते हैं। सो ये भी एक बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ है, पर जैसे ही टीयर डक्ट्स बन जाते हैं तो आपको ये बड़े बड़े आंसू देखने को मिलते हैं, राइट? एंड बहुत बुरा लगता है देख के जब आपका बच्चे की आंखों से आंसू निकलते हैं। सो यस, ये भी एक बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट इज लेडीज, बेबीज आपकी वॉइस रिकग्नाइज कर सकते हैं जब वो आपके टमी में होते हैं। यस, इसलिए कहा जाता है कि जब बेबी आपके अंदर है तो उनसे बात करो, गाना गाओ, अच्छी अच्छी बातें बोलो।
सो जब वो बाहर आते हैं तो वो आपकी आवाज़ बहुत इजीली रिकग्नाइज कर लेते हैं। इसलिए मम्मीज एंड डैडीज, आप दोनों प्लीज़ बेबी से बात करो जितना ज़्यादा हो सकता है, उसको म्यूज़िक सुनाओ। यू नेवर नो, जब बेबी बाहर आए तो एक बहुत अच्छा म्यूजिशियन बन जाए। सो प्लीज़ बेबी से बात करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज लेडीज, इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि बेबीज आपके टमी के अंदर यूरिन ड्रिंक करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है। तो होता क्या है कि अराउंड 12 वीक्स के कंसेप्शन के बाद आपका एमनियोटिक फ्लूइड बनना चालू हो जाता है। सो 12 टू 13 वीक्स में बेबीज की किडनी भी बनना चालू हो जाती है, तो बेबी कैन स्टार्ट टू यूरिनेट इनसाइड एमनियोटिक फ्लूइड। सो बेबी उसी यूरिन को ड्रिंक करता है एंड देन उसी यूरिन को किडनी से प्रोसेस करके वापस से यूरिनेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज दोस्तों, बेबी हिकअप्स। यस, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है एंड जितनी भी लेडीज़ जो प्रेग्नेंट हो चुकी है या जो प्रेग्नेंट है उन्होंने ये चीज़ फील की होगी कि हिकअप्स और बेबी किक्स के बीच में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो कैसे आप उस कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं? जो बेबी की हिकअप्स होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं एंड बहुत ही रेगुलर इंटरवल्स में आते हैं, वेयर एज किक्स जो होते हैं वो कभी कभी आते हैं एंड बहुत स्ट्रांगली आपको फील होते हैं। सो हिकअप्स यूजुअली सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में फील होते हैं। एंड हिकअप्स क्यों होते हैं? बेबी का जो डायफ्राम होता है वो ब्रीथ करना सीख रहा होता है, तो बेबी अपने एमनियोटिक फ्लूइड को ब्रीथ इन करता है एंड उसी को ब्रीथ आउट करता है। एंड अगर आपको पॉइंट नंबर 8 याद है तो बेबी ब्रीथ भी यूरिन को ही करता है। दैट्स इट दोस्तों, ये सारे जो 9 पॉइंट्स थे ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग एंड बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग पॉइंट्स है एक बेबी की जर्नी के लिए। एंड एज यूजुअल, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूले एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।